बात बहुत बढ़िया लगी सारे किसान भाइयों से। पीला भाई थोड़ा ध्यान रखा करो ताकि सोनू भाई यार ये हमारी खाल पाट ले आड़ा घेर के बहुत महंगे पड़े हैं भाई। दोस्तों वही कैसे आप लोग है? पहले तो सोनू भाई की सारे बहने राम राम है भाई। सुबह सुबह हमारे तो ट्रैक्टर आया है 53-10, इसमें क्या कमी थी? इसके पतले पहिए का बैरंग टूट गया। आज की जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद है ना वो एक ही है भाई, इसके बैरंग बार बार तोड़ा क्यों है, क्या कारण है जो बैरंग तोड़ा है? आज हम आपने बैरंग तोड़ने की शिकायत के बारे में बताएंगे क्यों तोड़ा है और अपना के रुझान करने चाहिए, सुझाव करने चाहिए और कैसे हमारे बैरंग टूटने से बचेंगे, इसके बारे में हम आपको डिटेल में पूछ ले भाई। वो ट्रैक्टर हमने देखो खोल तो सारा दिया है, ठीक है, खोल का हमने ट्यूब का सारा काम फिट कर दिया, अपना ग्रीस ग्रास ला दिया है, बैरंग ठोक दिया, कोन ठोक दी, सील ठोक दी, और ये अपना भी इधर से साफ सफाई रह रही है अपनी, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो भाई क्या हालत हो रही थी इसके बैरंग की, गैर जाके सारा बैरंग टूटा पड़ा था, यो नुए ट्यूब में चला चली जाती है गारिश के पानी, मिक्स होकर रेतली माटी हो जाए, कई बार दाकर हो जाए, सारी चीज हो जाए है, और इसी कारण ये फिर बैरंग मारे टूट गए हैं। और बताऊंगा हमें गाहक ने के ध्यान देना चाहिए, के करना चाहिए इसके बारे में, तो हम अपने बातें बताएंगे ना, वो थोड़ा ध्यान देना है आपने भी सारे किसान भाइयों ने। अब भाई मारा ट्रैक्टर बैरंग ही बार बार क्यों तोड़ रहे हो? कमी जो है ना वह सारी कुछ तो ट्रैक्टर बनाने वाले की है, फिर कुछ आगे किसान भैया की है, क्यों किसान भाई ध्यान नहीं देते? चलाया जा है एक तो भाई टाइम टाइम पे ग्रीस मरा करो पतले पहिए में, ग्रीस मराना भी बहुत जरूर है, ग्रीस की निपल दे रखी है इसमें और ग्रीस मराना सी हमने। और दूसरी बात है जैसे हम पाड़म बढ़ेंगे, पाड़म बढ़ने से पहले एक बार ग्रीस करा दो, एक बार फिर बीच में करा दो, एक बढ़िया फिर लास्ट में करा दो, तो पूरे सीजन में हमने 3 या 4 बार इसमें ग्रीस कराना है। ग्रीस इतना कराना है लिमिट के हिसाब से, 2-4 पंप मरवाने हैं, ज़्यादा ज़्यादा 5 मरवा दो ताकि हमारे बैरंग तक ग्रीस पहुँच जाए। और भाई एक बात का और विशेष ध्यान देना हमने, जैसे हम अपने ट्रैक्टर तक पैड़े पुड़े काटते हैं ना, पैड़े पुड़े काट कर आ जाए हैं, आने के बाद घर ले आ गया भाई इस पर पतले ट्यूबा व पानी पुनी मार दिया करो ताकि जो हमारी गार मट्टी है वह सील पर ना चिपकी रहे, सील पर वह चिपकेगी, एक दिन में 2 दिन में वह सूख जाएगी, फिर हम ट्रैक्टर लेकर चल रहे हैं उसकी आमरी बन जाए, आमरी बनकर फिर वह धीरे धीरे सील ना काटना शुरू कर दे, सील कटे पीछे तो आपने फिर बेह रहे है गार मट्टी पानी तो जावेगा। और ये कई बातें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है जिनके कारण हमारा बैरंग बार बार टूटता है। जो किसान भाई इन बातों का ध्यान रखेगा मैं गारंटी दूँ उसका कई कई साल बैरंग नहीं टूटते हैं, 5-5, 6-7 साल। जो भी है भाई अपने ट्रैक्टर पर पूरा पूरा ध्यान लगाओ सारे किसान भाई, और सारे ही ध्यान रखो इन बातों का, क्यों मैं तो सस्ती दीपिया की वीडियो बनाऊँ था लेकिन कई भाइयों ने हमारे को रुझान सुझाव सारी बातें बताई, कमेंट करे हैं, उन्होंने बोला हमारे को भाई हमने इनके बारे में बताओ कि हमारा ट्रैक्टर बैरंग तोड़ रहा है, क्यों भी गाड़ पाड़े का सीजन चल रहा है, इनमें बैरंग तोड़ ही हैं और हम भी रोज कर ले हैं पहिए तो इस मामले के ऊपर हमने आज यह वीडियो बनाई है सारी, और यह वीडियो बनानी भी जरूरी थी भाई, सारे वर्ग के भाई हमारे तक सलाह दे हैं किस चीज़ पर हमने वीडियो बनानी थी, किस चीज़ पर नहीं, तो सारी बातें ही हैं भाई, इन पर अपने अमल करो, इन नियम तय फॉलो करो और इन बढ़िया डाला अपने ट्रैक्टर पर पानी पूनी मारा करो, ग्रीस ग्रास टाइम पर कराया करो तो भाई बैरंग नहीं तोड़ेगा बिल्कुल भी। देखो ये 53-10 था अपना जॉन डियर और ये अपना बैरंग बुरंग फिट कर दिया हमने सारे, ये ट्रैक्टर के मालिक हैं, तो ये भी बताऊंगा आज हमने जो वीडियो बनाई है जो बातें करी है
ये किसान भाई अपने यही बताएंगे इन हमारी बात कैसी लगी। बात बहुत बढ़िया लगी सारे किसान भाइयों से, पीला भाई थोड़ा ध्यान रखा करो ताकि सोनू भाई और ये हमारी खाल पाट ले आड़ा घेर के बहुत महंगे पड़े हैं है, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाए और टाइम बर्बाद हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई। ले भाई गोरे भाई ने एक बात बोली है, अब खाल पड़े हैं, खाल भी पड़े हैं और फिर भी लोग आवे हैं मेरे दौरा, देख कमाल की बात है, खाल भी पाड़ूँ और फिर भी लोग आवे हैं पड़वाने, कुछ न कुछ भाई खूबी होगी जब आवा देखूँ तो आने यार, फिर भी इनका काम मैं तो दिन से घाटे कर लूँगी मेरी बात। ले भाई अपना यो सारा ट्रैक्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, सारा काम अपना ओके हो गया भैया का। और ये अपनी दुकान है भाई।